हेलो एवरीवन वेलकम टू ई लर्नर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन के बारे में हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी गेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन के बारे में उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट है कौन कौन सी कमेटी है जो गेट एग्जाम को कंडक्ट करती है ऑल इस वीडियो में मैं फिर से वो सारे पॉइंट्स रिपीट कर दूंगी So first and for all GATE Biotechnology examination is a national level examination. It is jointly conducted by IITs and ISC, GATE Biotechnology subject offer one of the uh, 28 subject uh, in GATE examination. It is essential to the candidate for a higher education such as master and PhD in biotechnology related field. In this video, we will cover exam scheme, exam pattern, syllabus, PYQ analysis, book and strategy. Now coming on what is GATE? तो द फॉर्म ऑफ गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग ये एक ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन है इट इज एडमिनिस्टर्ड एंड कंडक्टेड इन एट जोन अक्रॉस द कंट्री यदि आप गेट कमेटी की बात करें तो बेसिकली थ्री कमेटी है जो गेट को कंडक्ट करती है फर्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आई एस सी बेंगलोर सेकेंड इज सेवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कोऑर्डिनिंग बोर्ड एंड थर्ड इज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एम एच आई डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ कमिंग ऑन द जोन एंड करस्पॉन्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट तो बेसिकली एट जोन है या एट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट है जो आपके गेट बाई टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकते हैं सो फर्स्ट जोन या फर्स्ट इंस्टीट्यूट इज़ आई एस सी बेंगलोर सेकेंड इज़ आई आई टी बॉम्बे आई आई टी डेली आई आई टी गोहाटी आई आई टी कानपुर आई आई टी खड़गपुर आई आई टी मद्रास आई आई टी रुड़की अब होगा क्या कि इन एट इंस्टीट्यूट में से कोई एक इंस्टीट्यूट जो है वो आपके एग्जाम को कंडक्ट करा सकता है जैसे ईयर 2023 में जो आपका गेट का एग्जामिनेशन है वो आईआईटी कानपुर ने किया था वो जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग गेट 2024 एग्जामिनेशन तो आईआईएससी जो आपका बेंगलोर है वो इस बार गेट के एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है नाउ कमिंग ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बी ई पास आउट स्टूडेंट हो सकते हैं बी टेक पास आउट स्टूडेंट हो सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस अगर आप मास्टर की बात करें तो आप मास्टर में इनरोल्ड हो सकते हैं कॉन्टीन्यू हो सकते हैं एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ मास्टर इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस नाउ कमिंग ऑन द एज लिमिट यदि आप एज लिमिट की बात करें सो देयर इज नो एनी एज लिमिट यू हैव टू बी ऑलवेज एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन यदि आप वैलिडिटी पीरियड की बात करें तो इसका वैलिडिटी पीरियड बेसिकली थ्री ईयर का होता है जिस डेट में आपका रिजल्ट अनाउंस होगा वहां से लेके अप टू थ्री ईयर तक आपका जो सर्टिफिकेट है गेट का वो एक्टिवेट रहेगा वैलिडेट रहेगा नाउ कमिंग ऑन एग्जाम पैटर्न यदि आप एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट इज एग्जाम नोटिफिकेशन यू हैव टू बी फाउंड योर एग्जाम नोटिफिकेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट ये जो एग्जाम है एक ईयर में केवल एक बार ही कंडक्ट किया जाता है और इसका एग्जाम जो है मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ फेब में होता है यदि आप नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एम एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं इसमें मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं यदि आप एग्जामिनेशन मोड की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है इसका ड्यूरेशन थ्री आवर तक रहेगा और एग्जाम का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड में होगा और एग्जाम का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो केवल आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा हिंदी मीडियम में यहाँ पर एग्जाम आपको अपीयर नहीं होता है तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश में ही करनी है बिकॉज यू हैव टू बी फाउंड योर एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मोड ऑनली नाउ कमिंग ऑन एग्जाम मार्किंग स्कीम यदि आप एग्जाम मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपका जो टोटल मार्क्स होंगे एग्जाम में वो हंड्रेड मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है इसमें दो पार्ट होते हैं फर्स्ट इज जनरल एप्टीट्यूड एंड सेकेंड इज सब्जेक्टिव पोर्शन यदि आप जनरल एप्टीट्यूड में देखें तो आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और वहीं पर सब्जेक्ट जो रहेगा वो 85 मार्क्स का होगा तो लाइफ साइंस में मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो थ्री सेक्शन में डिवाइड था लेकिन गेट बाय टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता यहाँ पर खाली दो ही सेक्शन होते हैं आपका पहला सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड का होता है और जो आपका सेकंड सेक्शन होता है वो सब्जेक्टिव होता है तो जनरल एप्टीट्यूड में जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो फिफ्टीन मार्क्स रहेंगे और जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा वो एट्टी मार्क्स का होता है नाउ कमिंग ऑन द नेगेटिव मार्किंग स्कीम यदि आप नेगेटिव मार्किंग की स्कीम की बात करें तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो केवल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में रहेगी देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन ठीक है तो जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहनी है वो केवल एमसीक्यू में रहनी है और वो भी डिफरेंट पैटर्न की रहनी है यदि आपका क्वेश्चन जो है वन मार्क्स का है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग वन बाई थ्री की होगी और वहीं पर यदि आपका क्वेश्चन पेपर टू मार्क क्वेश्चन टू मार्क्स का है तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो टू बाई थ्री की होगी तो आप इसमें एक एडवांटेज ये है कि जो आपके मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी तो आपको करना क्या है कि प्रीवियस पेपर में जितने भी आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन एंड मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है उनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इवन आपको मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उनको शॉर्ट आउट कर लेना है उसके दो एडवांटेज है क्योंकि जब आप इनको अटेम्प्ट करेंगे यदि आपका क्वेश्चन सही हुआ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे और यदि आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी जा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं तो आपको मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल Type को नहीं छोड़ के आना है उनको तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है और आप एमसीक्यू में भले ही देख लीजिए यदि आप आप पे आ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। और नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो यदि आप क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो जनरल एप्टीट्यूड से है वो टेन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अब डिवाइड होंगे टू पार्ट में कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो वन मार्क्स के रहेंगे और जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो टू मार्क्स के रहेंगे तो जो आपके वन मार्क्स के क्वेश्चन है वो फाइव पूछे जाएंगे और जो टू मार्क्स के क्वेश्चन है वो अगेन फाइव पूछे जाएंगे तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो टेन क्वेश्चन होंगे एंड टोटल मार्क्स फाइव प्लस टेन इज इक्वल टू फिफ्टीन तो इस तरीके से जो है जो आपका जर्नल एप्टीट्यूड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्वेश्चन का एंड सेकेंड जो है आपका वो है आपका मेन सब्जेक्ट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इसमें एक और सब्जेक्ट है इंजीनियर मैथामेटिक्स तो इंजीनियरिंग मैथामेटिक्स जो है इसके भी कुछ क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैंने उसको स्पेसिफिक तरीके से मेंशन करा है तो इसमें क्या होगा कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो आपके 55 होंगे आपके वन मार्क्स के क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव होंगे और टू मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो थर्टी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अगर आप टोटल क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको सिक्सटी फाइव क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन में और जो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे फिफ्टीन जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा एंड एट्टी फाइव जो है आपका मेन सब्जेक्टिव रहेगा मीनिंग बायोटेक्नोलॉजी का इस तरीके से हंड्रेड मार्क्स में ये जो है डिवाइड हो जाता है नाउ कमिंग ऑन द सिलेबस ऑफ जर्नल एप्टीट्यूड यदि आप जर्नल एप्टीट्यूड के सिलेबस में देखें तो आपका जो फर्स्ट पोर्शन है जिसमें आपको बर्बल एबिलिटी पढ़ना है इसमें आप कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस कंप्लीशन बर्वर एनालॉजी वर्ड ग्रुप इंस्ट्रक्शन क्रिटिकल रीजनिंग एंड बर्वर रिडक्शन तो ये बेसिकली सेवन सेक्शन या सेवन टॉपिक आप कह सकते हैं जो आपको अपनी बर्बल एबिलिटी में कवर करना है एंड सेकेंड जो आपका रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जिसमें आप वर्क पढ़ेंगे टाइम पढ़ेंगे परसेंटेज क्लॉक एस आई एन सी आई ये आपको कवर करने हैं एंड न्यूमेरिकल एस्टिमेशन आपको पढ़ना होगा न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन तो दो आपके पोर्शन रहेंगे फर्स्ट इज बर्बल एबिलिटी जिसमें आपको सेवन टॉपिक कवर करने हैं एंड सेकेंड इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें आपको फोर सेशन जो है कवर करने हैं नाउ कमिंग ऑन द सिलेबस ऑफ गेट बाय टेक्नोलॉजी तो यदि आप गेट बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो आपकी टोटल सेवन यूनिट्स होंगी और उसमें मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो आपके इम्पॉर्टेंट है खाली उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे मेंशन करा है तो आपकी जो फर्स्ट ई यूनिट है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको कुछ आ, जो टॉपिक है वो ये है तो आपको लीनियर एल्जब्रा पढ़ना है कैलकुलस पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोबेबिलिटी स्टेट एंड न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ना है जनरल बायोलॉजी आपकी सेकेंड यूनिट है जनरल बायोलॉजी में आपको बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी पढ़ना है जेनेटिक्स सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में आप बेसिकली जेनेटिक्स पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी सेल बायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली आप इंजीनियरिंग प्रिंसिपल अप्लाइड टू द बायोलॉजिकल सिस्टम क्लासिकल थर्मोडाइनेमिक्स बायो एनर्जेटिक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है कुछ उनकी स्टडी करेंगे फिफ्थ जो आपकी यूनिट है जिसमें आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस टेक्नोल बायो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे इसमें बेसिकली आपको बायो रिएक्शन इंजीनियरिंग अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़नी है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल पढ़ना है सिक्स जो आपका है वो प्लांट एनिमल एंड माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें बेसिकली आप प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल स्टडी करेंगे एंड सेवेंथ यूनिट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी जिसमें जो है आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मोलिकुलर टूल्स एनालिटिकल टूल्स एंड कंप्यूटेशनल टूल्स ये सब पढ़ेंगे तो बेसिकली यदि आप पूरे सिलेबस में देखें तो सेवन यूनिट्स हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप कवर कर सकते हैं नाउ कमिंग ऑन द यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन तो ये एक रफ एस्टिमेशन है हमने प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा है कि हर एक यूनिट जो है वो तो कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसमें एट टू नाइन क्वेश्चन जो है हर एक ईयर पूछे जाते हैं और यदि आप उसका मार्क्स देखें अप्रॉक्सीमेट तो ये इलेवन टू थर्टीन मार्क्स का होता है जनरल बायोलॉजी में टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन है जिसका वेटेज जो रहेगा वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव है यदि आप जेनेटिक सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन अगेन पूछे जाते हैं इसका बेटेज 15 टू 25 तक है फंडामेंटल बायोलॉजी में 4 टू 5 क्वेश्चन है एंड बेटेज 5 टू 10 तक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड बायो बायो प्रोसेस बायो एंड प्रोसेस्ड बायोटेक्नोलॉजी में 5 टू 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका जो अप्रोक्सीमेट बेटेज जो रहेगा टेन टू फिफ्टीन मार्क्स का रहेगा प्लांट एनिमल एंड माइक्रो में सिक्स टू एट क्वेश्चन एंड वेटेज एट टू ट्वेल्व है एन रिकॉमिन डी एन ए टेक्नोलॉजी में टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन और अगेन इसका बेटेज जो है फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव है तो यहाँ आप यदि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें या मार्क्स की बात करें तो हर एक यूनिट का अपना एक स्पेसिफिक बेटेज है ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी यूनिट है जिसका बहुत कम बेटेज है ऑल दो यहाँ पर बहुत सी ऐसी यूनिट्स हैं जैसे जर्नल बायोलॉजी आप देखेंगे एंड जेनेटिक्स सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एंडी कॉमिन एंड डी एन ए टेक्नोलॉजी ये आपकी जो थ्री यूनिट हैं वो फोर्थ आप इंजीनियरिंग मैथामेटिक्स भी कह सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका बेटेज भी ज़्यादा है तो आपको अपनी प्रिपरेशन में ये चार यूनिट्स डेफिनेटली कवर करनी है वालो आपको सारी ही यूनिट्स पढ़नी है लेकिन ये जो फोर यूनिट हैं आपको बहुत अच्छे से एंड डिटेल में पढ़ना है नाउ कमिंग ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैंशन करे हैं एक्चुअली ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फाइव टू सेवन ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनका एनालिसिस करा है इसके बाद हर एक यूनिट से कुछ टॉपिक को शॉर्ट लिस्ट करा है ये दो टॉपिक हैं जिनसे हर एक ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं थेरेटिकल फॉर्म में या न्यूमेरिकल फॉर्म में यदि आप बहुत सारी यूनिट्स को नहीं कवर कर पा रहे हैं सारे टॉपिक को नहीं कवर कर पा रहे हैं तो हर एक यूनिट से आपको एटलीस्ट ये टॉपिक तो पढ़ के जाने ही है ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने हैं ठीक है तो फर्स्ट जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यदि आप देखें तो उसमें आप बेक्टर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन सी डी एन ए लाइब्रेरी एंड पी सी आर

बायोकेमिस्ट्री में आपको अमाइनो एसिड एंजाइम रेस्पिरेशन एंड बायो एनर्जेटिक्स कवर करना है इम्यूनोलॉजी में आपको एंटीबॉडी एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन साइटोकाइंस एब्राइडोमेट टेक्निक एंड इम्यूनोटेक्निक्स पढ़नी है सेल बायोलॉजी में आपको सेल मेम्ब्रेन सेल सिग्नलिंग लाइग रिसेप्टर एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सेल बायोलॉजी स्पेशली जो आपके बेसिक्स हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं मैथामेटिक्स में जो है बेसिकली आपको मैट्रिक्स स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन लिमिट्स एंड डिफ्रेंसीेशन स्टडी करनी है माइक्रोबायोलॉजी में आपको ग्रोथ काइनेटिक टेस्ट एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है बायो इनफॉमेट्रिक्स में आप डेटाबेस टूल सिमिलरिटी सर्च अलाइनमेंट फाइलोजेनी एंड डेटा फॉर्मेट पढ़ेंगे एनालिटिकल टेक्निक में आप क्रोमेटोग्राफी एस टी एस पी एच और ये जो टेक्निक्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं तो ये बहुत कम ही टॉपिक है ऐसा नहीं ये बहुत ज़्यादा टॉपिक है तो ये सारे टॉपिक आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और इन टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना ही है अपने एग्जामिनेशन के लिए नाउ कमिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपेयर तो ये कुछ प्रीवियस ईयर डेटा है जो मैं आपको शो कर रही हूँ जैसे अगर आप ईयर ट्वेंटी की बात करें तो अगर आप्रॉक्सीमेट देखें तो 19,000 स्टूडेंट जो है रजिस्टर किए हुए थे लेकिन उनमें से 13 टू 14,000 स्टूडेंट ही अपियर हुए थे इस एग्जामिनेशन में और जो क्वालिफाई करा है वो थे थ्री थाउजेंड स्टूडेंट ने जो है क्वालिफाई करा था वहीं पर टू थाउजेंड की बात करें तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का डेटा अवेलेबल नहीं था लेकिन यदि आप कैंडिडेट अपियरेंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 3000 स्टूडेंट अगेन अपियर हुए थे और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी स्टूडेंट जो थे उनिफाई करा था तो ये बताने का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि आप देखेंगे कि बहुत कम जो स्टूडेंट हैं अप्रोक्सीमेट थ्री थर्टीन थाउजेंड टू फोर्टीन थाउजेंड स्टूडेंट ही अपीयर होते हैं तो ये बहुत अच्छा चांस है कि आप इजीली अगर अच्छे से इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं जो, है, जो एग्जाम में अपियर होते हैं वो बहुत कम है इस एग्जामिनेशन के लिए नाउ कमिंग ऑन द कट ऑफ यदि कट ऑफ की आप बात करें तो यहाँ पर जो है मैंने वो सिक्स ईयर का कट ऑफ मैंशन करा है जो 2018 से लेके 23 तक का है तो कट ऑफ की जो रेंज है फॉर जनरल कैटेगरी थर्टी वन पॉइंट 30.7, 35.9 एंड 27.9 रही है तो इसका रेंज अगर आप देखें तो 28 से लेकर 36 तक करा रहा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो 28.5, 31.9, 27, 27.6, 32.3 एंड 25.1 था यदि आप इसका रेंज देखें ट्वेंटी तो फाइव से लेके आप 33 तक मान सकते हैं वहीं पर एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यू डी कैटेगरी में देखें तो 21.0, 23.6, 20, 20.4, 23.9 एंड 18.5 तो इसका जो है आप 18 से लेके 24 तक का मान सकते हैं बेसिकली तो ये एक रेंज है यदि आप जर्नल कैटेगरी के, के स्टूडेंट हैं तो आपको 28 से लेके 36 तक के मार्क्स का जो है वो रेंज है कट ऑफ का जो डिफरेंट ईयर का है यदि आप वहीं पर ओ बी सी नॉन क्रीमिलियर और ई डब्ल्यू एस के लिए तो ट्वेंटी फाइव से थर्टी थ्री uh, तक का एंड एट्टीन से लेके ट्वेंटी फोर तक का आपका एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी का कट ऑफ रहा है नाउ कमिंग ऑन द फेलोशिप अमाउंट तो ये जो फेलोशिप है यदि हम पी एच डी कैटेगरी की बात करें यदि आपका ये एग्जाम मास्टर में क्वालिफाई होता है और आप पी एच डी में किसी भी इंस्टीट्यूट स्पेशली इंस्टीट्यूट की मैं बात करी वहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको गेट के बेसिस पे फेलोशिप मिलता है और लोग बहुत सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे इसका नहीं देते हैं फेलोशिप गेट क्वालिफिकेशन के बाद लेकिन इंस्टीट्यूट में डेफिनेटली आपको इसका फेलोशिप मिलता है तो फर्स्ट के जो आपके टू ईयर रहेंगे वहाँ पर जो अमाउंट है वो थर्टी वन थाउजेंड पर मंथ रहेगा एंड नेक्स्ट टू ईयर के लिए जब आप प्रमोट कर दिए जाएंगे एसआरएफ कैटेगरी में तो इसका अमाउंट बढ़ के थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ हो जाता है जो आपका फिफ्थ ईयर तक का फेलोशिप है वो डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा था जो आपका रिसर्च वर्क है उसका रिव्यू कमेटी एक बार रिव्यू करेगी और रिव्यू होने के बाद ही वो डिसाइड करेगी कि आपको फिफ्थ ईयर में फेलोशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा और यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पे इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद आप एम में एडमिशन लेते हैं तो आपको दो ईयर जब आप दो ईयर का आपका एम का प्रोग्राम रहेगा तब आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी उसका जो अमाउंट है वो ट्वेल्व पर मंथ होगा नाउ कमिंग ऑन रेफरेंस बुक यदि आप गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ आपको कुछ रेफरेंस बुक बता दे रही हूँ ऑल दो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये आपको बात बताई थी कि जो रेफरेंस बुक होती है कोई भी रेफरेंस बुक या स्टैंडर्ड बुक है उसमें बहुत ही हर एक चीज हर एक टॉपिक को बहुत बास तरीके से समझाया गया उसमें है उसमें डेप्थ ऑफ कवरेज बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर आप गेट एग्जामिनेशन की बात करें चाहे गेट लाइफ साइंस हो या गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन हो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल एंड अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं एकदम शॉर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते तो इसीलिए यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ कवरेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यदि आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से स्टडी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो जो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके कोर कंसेप्ट है उनको आइसोलेट करना है या आइडेंटिफाई करना है उसके बाद ही आपको स्टैंडर्ड बुक से खाली वो टॉपिक पढ़ लेना है और उतना ही पढ़ना है जितना इम्पॉर्टेंट है तो बाय केमिस्ट्री के एक, एक बुक है बायो केमिस्ट्री बाय बॉयट एंड बॉयट आप इसको प्रिफर कर सकते हैं और दूसरी जो बुक है मोलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी लोडिश आप इस से अपनी मोलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी पढ़ सकते हैं एंड द मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द जीन बाय वॉटसन एंड जेनेटिक्स बाय बेंजामिन एंड पियर्स जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस बाय टी ए ब्राउन मोलिकुलर एंड बायोकेमिकल टेक्निक बाय विल्सन एंड बॉकअप माइक्रोबायोलॉजी बाय प्रेस्कॉट इम्यूनोलॉजी बाय क्यूवे तो बेसिकली ये एट बुक है जिनसे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको सिलेबस में बताया है बायटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन के सिलेबस में जो जो आपको टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो तो सारे आपको इन्हीं बुक में से मिल जाएंगे तो आपको वो टॉपिक लेके अपनी स्टडी कर लेनी है और वहीं पर यदि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं ई लर्नम के साथ ई लर्नम आपको लेके आया है डिफरेंट टाइप ऑफ बेच रिगार्डिंग गेट बाय टेक्नोलॉजी ट्वेंटी एग्जामिनेशन ये जो सब्सक्रिप्शन है वो सेप्टेम्बर से, 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 लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा जहाँ पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर पी नोट प्रैक्टिस सीट पी सेशन क्विज़ सेशन एंड ट्वेंटी फोर इंटू सेवन डाउट क्लियरिंग सेशन ऑल दो ये जो पूरा एग्जामिनेशन या जो कोर्स है वो गेट बाय टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है तो जो भी आपके कोर कंसेप्ट हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे वो सारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ाया जाएगा जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है और जितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ाया जाएगा और इसके जितने भी आपकी प्रैक्टिस सीट है कुछ सेशन है या मॉक टेस्ट हैं उनमें सारे क्वेश्चन गेट बाय टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए गए हैं तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन अपनी प्रिपरेशन करने में तो आप ई लर्नम के साथ जुड़ सकते हैं और ये कुछ प्रीवियस ईयर रिजल्ट है यदि आप ईयर ट्वेंटी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट थ्री प्लस कैंडिडेट ने ई लर्नम के प्लेटफॉर्म से क्वालिफाई करा था और ये कुछ रैंक भी है यदि आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है तो गो विद ई लर्नम नाउ कमिंग ऑन द स्ट्रैटी पार्ट यदि स्ट्रेटी पार्ट में बात करें तो फर्स्टली यू शुड हैव द कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल वे में बताया है कि आपका सिलेबस क्या है एग्जाम का पैटर्न क्या है और जो डिस्ट्रीब्यूशन्स हैं क्वेश्चन के वो किस तरीके से होने हैं कितने मार्क्स के आएँगे कैसे आएँगे एंड क्रिएट अ स्टडी प्लान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन से कोर कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट हैं जो आपको कवर करने हैं स्टडी मटेरियल सिलेक्शन मस्ट बी डेयर क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि जो गेट का एग्जाम है वो बहुत बेसिक एग्जाम है तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते बहुत कम क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं तो स्टडी मटेरियल का आप अच्छे से सिलेक्शन करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको टेन ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जहां से मिल पा रहे हैं आपको वो पूरे सॉल्व कर लेने हैं उसमें चाहे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हो मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन हो एमसी क्वेश्चन हो वो सारे आपको एक ही बार में सॉल्व कर लेने एक भी क्वेश्चन पेपर आपको नहीं छोड़ना है जहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं आप वो कर लीजिए यदि आपको मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप लर्नम e के ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं यहाँ पर कुछ फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिनमें आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तीन से चार बार उनको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आंसर्स जो हैं याद हो जाते हैं तो उसके लिए किस चीज़ की जरूरत होती है कि कुछ न्यू क्वेश्चन हो क्योंकि न्यू क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं स्पेशली पढ़ने के बाद तो आप अपनी प्रॉपर ट्रैकिंग कर पाते हैं प्रिपरेशन की कि आप कितने अप टू द मार्क प्रिपेयर हैं फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ओके एंड फोकस्ड ऑन कोर कंसेप्ट और जो कोर कंसेप्ट है उनका आपको रिवीजन या रिकॉल बार बार करना है क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं जो भी आप कंसेप्ट फोकस कर रहे हैं उनको रिवाइज करना है रिकॉल करना मस्ट बी देयर स्टे अपडेटेड एंड एनालिटिकल क्योंकि जो गेट का एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज का आपको याद रखना है कि जो भी आपके अपडेटेड टॉपिक है आपको उन उनपे भी स्टडी करनी है नाउ टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ गेट बाय टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन तो यदि आप बेनिफिट की बात करें तो इस एग्जामिनेशन को यदि आप ग्रेजुएशन के बाद क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी प्रोग्राम है आपका एम है एम टेक है आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको क्वालिफ़ाई करते हैं तो आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ रिसर्च स्कॉलर या पी में इनरोल्ड हो सकते हैं अट्रैक्टिव जॉब क्योंकि ये एक ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन है यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं अच्छी रैंक के साथ तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पी एस यू सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें कुछ इंस्टीट्यूट है आई यू आई बार्क एंड डी तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं अगर आप एग्जामिनेशन को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप इसमें भी जॉब आपको मिल सकती है नाउ कमिंग ऑन टीचिंग जॉब यदि आपका अगेन एग्जाम अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई है तो आपको टीचिंग जॉब में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दिस